हे गाइस, वेलकम टू सरूज किचन। आज मैं आपके साथ मेरी फेवरेट लिकर चॉकलेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये चॉकलेट बच्चों के लिए नहीं है, तो चलिए आज बड़ों के लिए कुछ बनाते हैं। इसमें मैं एक तो वोदका यूज़ कर रही हूँ और दूसरा वाइन का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम्स मिल्क कंपाउंड और 150 ग्राम्स डार्क कंपाउंड। इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है ताकि ये इवनली मेल्ट हो सके। मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव किया, फिर मिक्स किया, फिर 30 सेकेंड्स रखा, फिर मिक्स किया। ऐसे ही ये 90 सेकेंड्स में पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। आप चॉकलेट को गैस पे भी मेल्ट कर सकते हैं। इसके लिए डबल बॉयलर प्रोसीजर यूज़ होगा। एक पैन में पानी लीजिए, उसके ऊपर दूसरे बर्तन में चॉकलेट डाल के स्टीम से उसको मेल्ट करना है। ध्यान रहे चॉकलेट के अंदर पानी या स्टीम ना जाए, नहीं तो आपकी चॉकलेट थिक हो जाएगी। इसको हमें मिक्स करते हुए पूरा स्मूथ करना है। अब हम चॉकलेट के शेल्स बनाएंगे। ये एक शेल मोल्ड है, इसमें एक साइड हॉलो चॉकलेट और दूसरी साइड उसका लिड बनेगा। आम मोल्ड की तरह ही इसका भी यूज़ किया जाता है। अब हम अपनी चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद पाइपिंग बैग में डालेंगे। अगर हम चॉकलेट को गर्म ही मोल्ड में डालते हैं तो हम आपकी चॉकलेट पे शाइनिंग नहीं आएगी। चॉकलेट को मोल्ड में डालने के लिए आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोन से काम थोड़ा ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है, तो इसलिए मैं कोन प्रेफर करती हूँ। अब हम कोन में छोटा सा कट लगा के चॉकलेट को मोल्ड में फिल कर लेंगे। इसको सेट होने के लिए हमें फ्रीज़र में नहीं रखना। थिन चॉकलेट फ्रीज़र में रखने से ब्रेक हो सकती है, तो इसलिए हम इसको फ्रिज में ही रखेंगे। अब इसको अच्छे से टैप करके इसके एयर बबल्स निकाल लेंगे और 10 से 12 मिनट्स के लिए हम चॉकलेट को फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारे शेल्स रेडी हैं। इसको हल्का सा प्रेस करके हम निकाल लेंगे। ये हमारे बेस और लिड दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ वोदका ले रही हूँ, अराउंड 3-4 स्पून्स। और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने रेड वाइन ली है। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली वोदका और वाइन का यूज़ किया है। ये जस्ट एक आइडिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई और लिकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ 3-4 स्पून्स चॉकलेट को सेपरेट कर लेंगे और इसमें 15 ml के अराउंड वोदका मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम एक कोन तैयार कर लेंगे। अब हमने जो शेल्स बनाए थे उसके अंदर कोन से इस फिलिंग को डाल देंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है।
अब जो इसके जो लिड हैं, इसकी जो सही साइड है उस साइड उसको ऊपर रखेंगे डिज़ाइन वाली साइड को, और दूसरी साइड हम मेल्टेड चॉकलेट लगा के उसको बंद कर देंगे। यहाँ जो मेल्टेड चॉकलेट है ग्लू का काम करेगी। अब हम सेम प्रोसेस से वाइन से भी फिलिंग तैयार कर लेंगे। हम जितनी क्वांटिटी में चॉकलेट लेंगे करीब करीब उसकी हाफ क्वांटिटी में लेकर उसमें यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल से चॉकलेट बहुत जल्दी थिक होने लगती है, तो हमें ये काम थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि अब हम इसको हीट नहीं कर सकते, अल्कोहल को हीट नहीं किया जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके एसेंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनसे भी सेम फ्लेवर की चॉकलेट्स बना सकते हैं। तो अब हमने जैसे पहले वोदका चॉकलेट बनाई थी उसी तरह से इसको भी कोन से फिल करेंगे। और मेल्टेड चॉकलेट को उसके लिड के ऊपर लगाते हुए उसको बंद कर देंगे। अब हम 8 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारी वोदका और वाइन चॉकलेट्स रेडी हैं। आप भी बनाइए और अपने लव वंस को सरप्राइज दीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।